दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुकी है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों पहले ईवीएम विवाद और अब कोरोना संकट के कारण बिहार पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग गया है। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव में हो रही देरी की वजह से बिहार के पंचायती राज सरकार में कई संकट खड़ा होने लगा है। जी हां, वो इसीलिए क्योंकि 15 जून से पहले चुनाव नहीं होने की स्थिति में मुखिया प्रमुख समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छिन जाएंगे। जी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन की तैयारी में जुटी हुई है। जी आपको बता दें की पूरी तैयारी के बाद भी समय पर पंचायत चुनाव की संभावना अब नहीं है। दोस्तों बिहार में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सही आपूर्ति न होने के मामले को पटना हाई कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। जी हां, जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। जी हां, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पताल में आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का 194 मैट्रिक टन का कोटा बिहार को दिया हुआ है तो फिर उसे अस्पतालों में आपूर्ति की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। जी हां, पीठ ने कहा है कि हमें राज्य सरकार के दावे पर संदेह था, इसीलिए हमने समिति का गठन किया था और हमारा संदेश सही था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड और दवाओं की कमी को लेकर किए गए पोस्ट वीडियो शेयर करने पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो फिर इसे गलत नहीं कहा जा सकता। ये ऐसी शिकायतों पर अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर हम उसे अदालत की अवमानना समझेंगे। जी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बारे में कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि नागरिकों द्वारा इंटरनेट पर जा रही शिकायतें गलत है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पाया है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि स्थिति बेहद खराब है। छात्रावास, मंदिर, गिरजाघर और अन्य स्थानों को कोरोना मरीजों के लिए देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोल दिया जाए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि टैंकरों और सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ऑक्सीजन की आपूर्ति कब तक होगी। दोस्तों कोरोना के कहर से परेशान लोग अब कुछ जरूरी दवाओं के लिए भी भटक रहे हैं। जी हां, कोरोना महामारी से उपजे भय के कारण विटामिन सी, मल्टी विटामिन से लेकर एजिथ्रोमाइसिन जैसे सामान्य दवाएं काउंटर से गायब हो चुकी है। जी हां, भाप लेने की कैप्सूल, विटामिन सी, जिंक, गले में खराश के लिए एंटीबायोटिक, ऑक्सीमीटर की किल्लत से मरीज और उनके परिजन परेशान है। जी हां, ऑक्सीजन मापने के लिए बाजार में अचानक ऑक्सीमीटर की मांग बढ़ने के बाद इसकी कीमत भी बढ़ी है। जी हां, बाजार में अब चाइनीज ऑक्सीमीटर पर भी निर्भर हो गया है। यह भारी डिमांड की वजह से ब्रांडेड के अलावा चाइनीज ऑक्सीमीटर के दाम में भी इजाफा हो गया है। दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर शुक्रवार को फिर से निशाना साधा। जी हां, उन्होंने ट्वीट करके तंज कसते हुए कहा है कि देश में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और जवाबदेही शून्य कर दिया ना सिस्टम ने आत्मनिर्भर। मोदी सरकार को रोज आड़े हाथों लेने वाले राहुल गांधी ने इससे पहले भी ट्विटर पर लिखा था कि एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। जी हां, मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए थे। दोस्तों बिहार के पूर्णिया में लोजपा के प्रदेश नेता का अपहरण कर लिया गया है। जी हां, अपहरण के बाद अपराधियों ने उनके 100 जनों यानी कि परिजनों को फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। जी हां, इस घटना के बाद लोजपा नेता के परिजन काफी दहशत में आ गए हैं। जी हां, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जी हां, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी जानकारी के अनुसार पूर्णिया कोर्ट स्टेशन निवासी लोजपा नेता अनिल उड़ाव का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया। जी हां, अपहरणकर्ताओं ने उसके परिजनों को फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। दोस्तों बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, स्थिति हाथ से निकलता जा रहा है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। जी सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना संक्रमण की वजह से अब
तक कई अधिकारी और कर्मियों की जान चली गई है। यह कल बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की भी कोरोना से मौत हो गई है। यह इसके पहले भी 2 IAS अधिकारी का निधन हो गया है कोरोना से। यह सत्ताधारी JDU के विधायक मेवालाल चौधरी को भी कोरोना ने लील कर दिया। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार विधानसभा को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। दोस्त, बिहार में बेखौफ अपराधी लगातार लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यह पुलिस चाहे लाख कोशिश कर ले मगर अपराधी उनको धता बताते हुए बड़े आराम से लूट कांड को अंजाम दे रहे हैं। यह प्रशासन चाहे कितनी भी लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करने की बात करे, कानून कड़े करने की बात कहे मगर अपराधियों पर इसका कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता दिख रहा है। यह ताजा मामला पटना सिटी का है जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। यह पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज इलाके में स्वर्ण रेखा ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट कांड को अंजाम दिया है। यह सूत्रों के मुताबिक 3 अपराधी दुकान में घुसे और हथियार के दम पर 3 लाख का सामान लूट लिए और बड़े ही आराम से फरार हो गए। यह अपराधियों के रफू चक्कर हो जाने के बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने पुलिस को इस वारदात की सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर सिटी DSP पहुंचे और मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और CCTV फुटेज से सुराग ढूंढने की बात कही है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र पर फर्जी शिक्षक बनकर नौकरी कर रहा था। जी हां, अब जब शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच हुई तो फर्जी नियोजन का मामला पकड़ में आया। जी हां, पटना जिले में एक बार फिर से फर्जी नियोजन पकड़ में आ गया। मामला प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर धनरुआ और प्राथमिक विद्यालय सिकड़िया मसौरी का है। सुभाष कुमार नाम से 2 शिक्षक इन दोनों स्कूल में अलग अलग पंचायत शिक्षक के तौर पर नियुक्त थे। जी हां, जब EPF योजना के अंतर्गत UNA नंबर का मिलान किया गया तो दोनों ही शिक्षक का UNA नंबर समान पाया गया। यह दोनों ही शिक्षक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, TET प्रमाण पत्र दोनों ही एक जैसा था। यह शक के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जांच शुरू किया गया। दोनों ही शिक्षकों से मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रवेश पत्र मांगा गया, लेकिन प्राथमिक विद्यालय मसौरी के शिक्षक सुभाष कुमार ने मैट्रिक और इंटर का फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया। जांच में सामने आया कि मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र पर बोर्ड द्वारा अंकित कर्म संख्या नहीं था, यह न ही प्रवेश पत्र पर प्राचार्य का हस्ताक्षर ही था। दोस्तों, कोरोना के कारण बिहार में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर भी ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। जी हां, इसके कारण इस साल बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य काफी प्रभावित हुए हैं। यह चयनित 298 कटाव निरीक्षक योजनाओं का तय समय 15 मई तक पूरा करना जल संसाधन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। यह वो भी जब विभाग के बड़े अधिकारी से लेकर कई कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में है। यह मजदूरों का संकट भी बरकरार है। नेपाल में लॉकडाउन के कारण भी कार्य प्रभावित हुए हैं। नेपाल छोर पर जाने के लिए मजदूरों को रोज RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है। जी हां, जल संसाधन विभाग ने इस वर्ष यानी कि इस साल बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए 298 कटाव निरोधक योजनाओं का चयन किया है। जी हां, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जनवरी से ही शुरू हुआ है। यह सभी योजनाओं को 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य हर साल रहता है। हालांकि यह व्यवस्था 3 साल पहले ही शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन और ICU बेड लगभग नहीं के बराबर है। जिन अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर, जिला कोविड हेल्थ सेंटर या फिर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है उनमें राज्य स्तर पर 17,000 से 19,000 बेड खाली बताए जा रहे हैं। यह लेकिन ऑक्सीजन और ICU बेड की उपलब्धता 1,000 भी नहीं रह गई है। यह स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार और प्राइवेट मिलाकर प्रदेश में जिन अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वहां 11,855 के करीब बेड खाली हैं, लेकिन अधिकांश कोविड केयर सेंटर में सिर्फ बेड हैं। इन सभी पर ऑक्सीजन या फिर ICU की कोई भी सुविधा नहीं है। जी हां, 12 मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सरकार ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया है। जी हां, गुरुवार को इन अस्पतालों में करीब 890 से ज्यादा बेड खाली थे। दोस्तों, कोरोना की जद में खाकी भी आ चुकी है। जी हां, पटना में अब तक 7 थानेदारों के साथ 74 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जी हां, खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया गया है। वही थानेदारों ने परिवार से भी दूरी बना ली है। थाने के आसपास ही किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। जी हां, थानों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। जी हां, बेवजह आने जाने वालों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। गंभीर मामलों में ही पुलिस मौके पर पहुंच रही है। जी हां, अन्य छोटे मामलों का निस्तारण फोन पर किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिन मामलों में 7 साल से कम है ऐसे लोगों को हिदायत देने के साथ ही उन पर नजर रखी जा रही है। यह थाने पर ही लाया जा रहा है और बाकी उसको छोड़ भी दिया जा रहा है।
दोस्तों टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया है। जी हां, उनके दुनिया से चले जाने की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जी हां, कई पत्रकारों ने उनके निधन की खबर ट्वीट की। जी हां, उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत स्तब्ध हो गया। जी हां, कई पत्रकारों ने उनके निधन पर ट्वीट करके शोक जताया। पत्रकारों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े राजनेताओं ने भी उनके दुनिया से चले जाने के पर शोक जताया है। जी हां, रोहित सरदाना के निधन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदाई ने ट्वीट करते लिखा है कि बहुत ही भयानक समाचार है। जाने माने टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। जी हां, आज सुबह दिल का दौरा पड़ा। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हॉस्पिटल अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में पटना जिला प्रशासन ने 4 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इनमें कंकरबाग स्थित ऑक्सीजन हॉस्पिटल और भागवत नगर का ओम पाटलिपुत्र इमरजेंसी शामिल है। जी, इन अस्पतालों पर निर्धारित राशि से अधिक की वसूली का आरोप है। दोस्तों, राजस्थान और यूपी सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी आदेश दिया है कि बिहार में अंतिम संस्कार करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जी हां, अंतिम संस्कार फ्री में होगा। अंतिम संस्कार फ्री कराने का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। बिहार और देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, कोरोना रोजाना मामले में वृद्धि दर्ज की जा रही है और मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। खतरनाक तरीके से संक्रमण फैल रही है। अस्पतालों में बेड खत्म होते जा रहे हैं। मरीज ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं और अस्पतालों में दवाइयां भी मौजूद नहीं है। यह इन समस्याओं से मरीजों को जूझना पड़ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार सबकी नजर मुस्लिम बहुल 120 सीटों पर है। जी हां, बंगाल में सरकार बनाने में ये 120 सीट अधिक महत्वपूर्ण है। बंगाल में इस बार मुस्लिम वोटों को पाने के लिए टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले होने से कई सीटों पर बीजेपी को भी अपनी जीत की उम्मीद है। जी हां, TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के माने तो इस बार बंगाल में मुस्लिम समुदाय टीएमसी की ओर मूव कर रही है। चैनल ने करीब 10,000 लोगों से राय ली है। जी हां, एग्जिट पोल मुताबिक बंगाल की गरीब 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी को एक बार फिर से सीएम बनते देखना चाहती है। वहीं संयुक्त मोर्चा को इस बार करारा झटका लगा है। यह कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन के पक्ष में सिर्फ 20% मुस्लिम मतदाता ही वोट करने की बात कही है। वहीं एक और सर्वे टाइम्स नाउ के मुताबिक लेफ्ट गठबंधन के वोट फीसदी में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। यह लेफ्ट गठबंधन को इस बार सिर्फ 15% वोट एग्जिट पोल में मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल करीब 120 सीटें हैं, जहां पर वे वोटर्स जीत और हार तय करते हैं। जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिम बहुल सीटें अधिक है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के भी कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जीत और हार तय करते हैं। यह 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी को सबसे अधिक फायदा मिला था। लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस को वाम मोर्चा से अधिक सीटें इस चुनाव में मिली थी। जी हां, मालदा और मुर्शिदाबाद की अधिकतर सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब कल देखने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनती है, या लेफ्ट कांग्रेस या फिर टीएमसी और बीजेपी की। दोस्तों, बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना समेत कई जिलों में संक्रमण की स्थिति खराब है। जी हां, नालंदा जिले में भी कंडीशन खराब है। पिछले 2 सप्ताह में 15 शिक्षकों की जान चली गई है। नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी की भी मौत हो चुकी है। नालंदा जिले में कोरोना से कॉलेजिएट हाई स्कूल के इतिहास विषय के शिक्षक और एनसीसी अधिकारी मोहम्मद एहतेसामुद्दीन की जान चली गई। आपको बता दूं कि पिछले दिनों कोरोना से नालंदा जिले के डीओ मनोज कुमार की भी जान चली गई। जी हां, शिक्षकों की जान जाने से चिंतित शिक्षक संघ के नेताओं ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। जी हां, शिक्षक संघ ने पत्र में कहा है कि विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई बंद रहने के बावजूद कोरोना काल में शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का आदेश क्यों दिया गया है, यह इसका औचित्य क्या है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रबी विज्ञापन मौसम 2020-21 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्देश दिए हैं। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गेहूं खरीद करें। जी, खरीद की समय सीमा 31 मई तक रखें और खरीद का लक्ष्य इस बार 7 लाख टन रखें। गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या फिर व्यापार मंडल
क्विंटल में गेहूं बेचने के लिए छूट होगी। इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं बेचने में और सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गेहूं की खरीद अधिक से अधिक होने से किसानों को सही दाम मिल सकेगा। किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं की बिक्री में किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। यह गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लें। गेहूं अधिप्राप्ति का काम तेजी से करें। इसके लिए विभाग को अगर और राशि की आवश्यकता होगी तो फिर सरकार उसे पूरा करेगी। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भीड़ से बचने के लिए कई लोगों ने सफर करना कम कर दिया है। जी हां, जिसके चलते पूर्व मध्य रेलवे ने करीब 23 ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे दिल्ली से यूपी बिहार के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। हालांकि इन ट्रेनों में सफर करने से पहले यात्रियों को एडवांस में टिकट बुक करना होगा। दोस्तों, चारा घोटाले में सजा याफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिरकार जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। जी हां, दुमका कोषागार घोटाले में बीते 17 अप्रैल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को उनका बेल बॉन्ड भरा दिया गया है। जिसके बाद वे जेल से रिहा हो गए हैं, कल ही रिहा हुए हैं। इसके बाद अब उनके पटना आने का इंतजार किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के बिहार आने के बाद यहां की राजनीति में एक बार फिर से नया बवाल देखने को मिल सकता है। बताया गया है कि कोरोना के कारण पिछले 2 हफ्ते से झारखंड बार काउंसिल के निर्देश पर वकीलों ने काम बंद कर दिया था, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव की बेल बॉन्ड कोर्ट में भरे नहीं जा सके थे। लालू प्रसाद की बेल बॉन्ड भरने में हो रही देरी को लेकर बार काउंसिलर ने स्पेशल आदेश जारी किया था, जिसके बाद गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के पैरवी कार ने निजी मुचलके दाखिल किए, जिससे कोर्ट में सही पाकर बिरसा मुन्ना केंद्रीय कारा होटवार जेल अधीक्षक को भेज दिया। यह साथ ही लालू प्रसाद यादव को जेल से छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। फिलहाल लालू प्रसाद यादव नई दिल्ली एम्स में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद अब उनके बिहार आने का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू प्रसाद सीधे पटना आएंगे। जी हालांकि वे कब डिस्चार्ज होंगे ये तय नहीं है। जी वही जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों में उनके पटना आने को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार की बालू खनन करने वाली ब्राडसन कंपनी ने सरकार को सरेंडर लेटर भेजकर बताया कि 1 मई से पटना सहित 3 जिलों के 85 घाटों पर बालू उत्खनन का काम नहीं कर पाएगी। कंपनी के द्वारा दिए गए सरेंडर लेटर में कहा गया है कि बालू उत्खनन और प्रेषण में प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने से हम सब लोग लाचार हैं। अंत में पटना, भोजपुर और सारण जिले के 85 घाटों पर बालू उत्खनन करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण हम ये काम बंद कर देना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां डॉक्टरों ने एक जीवित इंसान को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार वालों में मातम पसर गया। जहां परिजन रोते बिखलते शव लेकर घर आए और उसे चिलर पर रख दिया। जहां अचानक शव पर पड़ी चादर में हरकत हुई तो फिर घर वाले हैरत में पड़ गए। जहां उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तत्काल पड़ोस के डॉक्टर बुलाया गया, चेकअप हुआ तो फिर प्लस और ऑक्सीजन लेवल दोनों ठीक थे। जहां रोते परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जे तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और चिलर से उठाकर शख्स को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। हालांकि करीब 7 घंटे बाद रोगी की फिर से मौत हो गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के दरियापुर मोहल्ले के रहने वाले अब्दुल माबूद, जो 50 साल के हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को लेकर परिवार वाले घर आ गए और घर में देखा कि वो फिर से जिंदा है। उसके बाद फिर उसको डॉक्टर के यहां ले जाया गया। उसके बाद 7 घंटे बाद उसकी जान चली गई। दोस्तों, लगातार चर्चा में बने रहने वाले भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा के विधायक ललन कुमार फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं। ललन कुमार भारतीय जनता पार्टी के यानी कि भाजपा के विधायक हैं। यह विधायक ललन कुमार इंटरनेट मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, इस कारण इस बार उनकी चर्चा फेसबुक के कारण हो रही है। जिससे वे लगातार अपने मित्र से रुपया मांग रहे हैं। जब उनके मित्र ने विधायक ललन कुमार को फोन करके इसकी जानकारी दी तो मामला उजागर हुआ। जी, बताया जा रहा है कि विधायक का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मित्रों से रुपया मांगे जा रहे थे। विधायक ललन कुमार का फोटो लगाकर एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाया गया है। इस आईडी से कई लोगों को मैसेज करके रुपए की मांग की गई है। दोस्तों, कल बिहार मुख्य सचिवालय में बैठक हुई। जी, और इस अहम बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जी, कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी, शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी। जी, कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारियों की जान जाने पर विशेष पारिवारिक पेंशन देने का ऐलान किया गया है।
जहां बिहार सरकार उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन देगी। नीतीश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारियों की जान जाने पर उनके आश्रित को यानी कि उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों को यह लाभ मिलेगा। यहां आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में नाइट कर्फ्यू को पूरी सख्ती से लागू किए जाने की तैयारी है। जी हां, राजधानी पटना में दो दिन पहले ही नाइट कर्फ्यू को लेकर पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। दूसरे शहरों और बाजारों में भी नाइट कर्फ्यू को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को सड़क पर उतारने की तैयारी है। जी हां, कानून तोड़ने वालों पर प्राथमिकी और गिरफ्तारी करने की कार्रवाई भी हो रही है। जी हां, राज्य में 19 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू है। जी हां, तब से कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 28 FIR और 50 गिरफ्तारी की गई है। जी हां, वही पूरे अप्रैल माह की बात करें तो 56 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 3,65,000 का जुर्माना कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर वसूला गया है। जब बिहार में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगाए गए 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। जब गृह विभाग ने सभी जिलों के DM और SP को सख्ती से नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि की गई निर्धारित समय सीमा के अंदर दुकानें बंद हो जाए। जी हां, बाजार में बेवजह की भीड़ ना हो। नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी और निर्धारित सेवा को छोड़कर बाकी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरी और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाली बागपत के जोहरी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्रू तोमर का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जहां उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। यह शूटर दादी चंद्रू की मेडिकल कॉलेज में आज दोपहर उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। दोस्तों, जानलेवा कोरोना महामारी के इस दौर में पश्चिम बंगाल में 8वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। यह बीते लगभग कई महीनों से राज्य के सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी TMC और BJP के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यह दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। हालांकि किसका परचम बुलंद होगा, ये तो फिर कल ही पता चलेगा। यह कल ही नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सी वोटर के साथ मिलकर ABP न्यूज पोल लेकर आया। जी हां, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की पर काबिज हो सकती है, हालांकि उन्हें सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ BJP को बंपर फायदा होता दिख रहा है, लेकिन वह सत्ता से दूर ही रह जाएगी। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जन्मे जाने माने TV पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हो गया है। यह जान जाने की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। यह रोहित सरदाना कोरोना से भी संक्रमित थे। रोहित का जन्म 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। यह रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे हिसार चले गए थे। रोहित सरदाना ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में स्नातक यानी कि BA की हासिल की थी और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। बचपन से रोहित सरदाना का सपना था उन्हें TV पर आना, इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा और शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही है कि उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए भी कहा। यहां रोहित ने भी कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी 100 रोहित को दे दिया। कुछ 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। लंबे समय से TV मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। यहां रोहित सरदाना का एक भाई जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। रोहित सरदाना शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां भी है। रोहित सरदाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था, क्योंकि वे हमेशा से ही अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें NSD से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि वहां पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। यह यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया था।
दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस वक्त एक खबर पटना से सामने आ रही है, जिसमें बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया है। यह सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार को बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 2003 बैच के IAS अफसर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को 31 मई तक OSD के रूप में स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया गया है। यह साथ ही सरकार ने कोरोना से लड़ाई को लेकर पटना के 3 बड़े अस्पतालों में भी IAS अफसरों को प्रतिनियुक्त किया है। सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को पटना PMCH, समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को पटना एम्स और उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक पंकज दीक्षित को NMCH में तैनात किया गया है। इन सभी अफसरों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना महामारी में मरीजों के इलाज और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग के लिए इन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी से सरकार की नाकामी के साथ साथ एक साथ सरकार चलाने वाले पार्टियां BJP JDU के बीच के रिश्ते की खटास भी सामने आ रही है। जी हां, हर रोज हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और दर्जनों जाने जा रहे हैं। जी हां, राज्य सरकार की व्यवस्था पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, साथ ही सत्ता पक्ष के बड़े नेता भी खुलेआम अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। नीतीश के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर सवाल उठा चुके बिहार BJP के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सुविधाएं खत्म हो रही है। स्थिति यह है कि जो मेरे करीबी डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने अब फोन उठाना बंद कर दिया है। यह संजय जायसवाल की यह टिप्पणी पर RJD ने भी तंज कसा है। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अपनों को और बहुत सारे अपनों के अपनों को खो चुके हैं, खासकर दिल्ली में चाहकर भी बिहार के लोग की अब मदद नहीं कर पा रहा हूं। यह स्थिति यह है कि जो मेरे करीबी डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने अब फोन उठाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वे भी बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अभी तक चंपारण में हम लोगों ने बेड और ऑक्सीजन की प्रशासन के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था कर रखी है, यह पर अब वहां भी सुविधाएं खत्म हो रही है। यह बेतिया में 90 बेड और बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल भी हो जाएंगे, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण में जहां पॉजिटिव रेट 30% पहुंच चुका है, फिर भी ज्यादातर लोग समझने को तैयार नहीं है। यह शादी हो या फिर श्रद्धा, सब वैसे ही बुलाने और फिर आने के लिए परेशान है। दोस्तों बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में एक ओर लोग तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो दूसरी ओर इसे बचाव की कवायद भी तेज हो गई है। जी हां, लोग कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का धरले से प्रयोग करने लगे हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदिक काढ़ा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, च्यवनप्राश और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले अन्य औषधियों की मांग तेजी से बढ़ गई है। जी हां, यहां तक कि कई आयुर्वेदिक दुकानों पर इन औषधियों की कमी भी हो गई है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि एलोपैथी के कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी आयुर्वेदिक काढ़ा और औषधियों के बारे में उनसे सलाह ले रहे हैं। जिन्हें बताया गया है कि आयुष काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयां कोरोना से बचाव और संक्रमण के प्रकोप को कम करने में मददगार साबित हो रही है। यही कारण है कि इन दवाइयों की मांग काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में भी ऐसे मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है जो कोरोना से बचाव से संबंधित सलाह लेने आ रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।